Hello guys, welcome to my channel Service Planet. आज एक HP का लैपटॉप है, HP G6 1000. मुझे ये लैपटॉप में प्रॉब्लम मिला है. एक्चुअली कस्टमर बोला है कि ये हैंग हो जाता है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का हैंग है और क्या क्या चीज़, कौन सा पोजीशन में ये हैंग होता है. मैं DC को कनेक्ट कर दिया. Now I need to turn on. तो देखिए अभी इस पोजीशन में कीबोर्ड काम कर रहा है. तो जैसे ही विंडोज़ खुलता है तो ये काम करना बंद कर देता है, माउस और कीबोर्ड भी. तो मुझे यहाँ पे एक क्लू मिल रहा है कि एक ही साथ माउस पैड और कीपैड काम करना बंद कर दे रहा है. तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ एक साथ काम करना बंद कर देता है, मतलब ये तो नंबर वन सस्पेक्ट है विंडोज़ का, जो कि मैं ऑलरेडी विंडोज़ रीइंस्टॉल करके देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. एंड नेक्स्ट स्टेप मुझे जाना पड़ेगा IO कंट्रोलर के तरफ. एंड थर्ड स्टेप, जो मेरा जो PCH है, शायद वो PCS ड्राई हो चुका है. तो सबसे पहले IO को चेंज करके एक बार देख लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं. तो सबसे पहले मैं मदरबोर्ड को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ. मैंने ये मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया. इसका पार्ट नंबर है DA0813MB6E1 रिविजन ई. तो ये 813 का मदरबोर्ड है और ये यहाँ पे IO कंट्रोलर लगा हुआ है. इसका नंबर है KV3930QF. तो सबसे पहले मैं एक बार ये IO कंट्रोलर को एक बार चेंज करके देख लेता हूँ. आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मुझे दूसरा स्टेप, जो कि PCS के तरह, मुझे जाना पड़ेगा. सो नाउ टाइम टू रिमूव द IO कंट्रोलर. तो इस टाइप का केस में जहाँ पे हमें मालूम नहीं होता है कि फॉल्ट कौन सा जगह से आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो कंपोनेंट है वो नया कंपोनेंट लगाने का कोशिश करें. क्योंकि अगर मैं दोबारा कोई दूसरा कोई मदरबोर्ड से इसको लगाऊंगा तो फिर मेरे अंदर एक डाउट रह जाएगा कि ये IC सही है कि नहीं. तो ऑलरेडी मेरे पास 5 पीस का स्टॉक है KV3930QF का, तो मैं इससे एक पीस निकल के लगा के देखता हूँ. तो मैं ये IO लगा के एक बार लैपटॉप में फिट करके देख लेता हूँ. सो मैंने IO कंट्रोलर को चेंज कर दिया. तो अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं.
मेरा माउस पैड भी काम नहीं कर रहा है और कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मदरबोर्ड 2-3 स्टेप लेने के बाद ही ये कंप्लीट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल माउस लगा दिया, तो एक्सटर्नल माउस ठीक से काम कर रहा है बट इंटरनल डिवाइस काम नहीं कर रहा है। इससे पहले मेरा एक्सटर्नल डिवाइस भी काम नहीं कर रहा था, तो ये केस में मुझे एक बार बायोस की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसका बायोस को रिप्रोग्राम करके देख लेता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। आफ्टर दैट प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे पीसीएस की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैंने इसका बायोस को रिप्रोग्राम कर लिया, अभी देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल माउस इज वर्किंग बट नो इंटरनल कीबोर्ड माउस। या कीबोर्ड इज वर्किंग, आई थिंक माउस पैड मे बी फॉल्टी। तो बायोस रीप्रोग्राम करने के बाद मेरा कीबोर्ड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, कीबोर्ड काम कर रहा है, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है। तो एक बार अभी फिर माउस पैड का कनेक्शन और केबल को देख लेता हूँ चेक करके। मैंने इसका कनेक्टर वगैरह भी देख लिया, तो अभी देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। माउस पैड फिर भी काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल माउस काम कर रहा है। तो देखिए कीबोर्ड भी वर्किंग बंद कर दिया। तो घूम फिर के मुझे लास्ट स्टेप पे ही जाना पड़ेगा जो कि पीसीएस के तरफ है। तो मैं एक बार पीसीएस को रिफ्लो करके देख लेता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैंने इसका पीसीएस को एक बार रिफ्लो कर लिया, अभी देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व होता है तो ये बहुत लंबा जाएगा केस स्टडी। मुझे एक बार पीसीएस को उठा के रिवॉल्व करना पड़ेगा। सो कीबोर्ड इज वर्किंग फाइन एंड यू कैन सी हियर माई माउस इज वर्किंग ऑल्सो। तो ये एक बहुत लंबा केस स्टडी था, करीबन 1 घंटा बीत गया इसको सॉल्व करने में। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपको मिलता है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आई थिंक आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।